हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा और उसको समझाऊंगा। जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ें, नहीं तो ये जिन लोगों को नहीं पढ़ना वे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक लाइन को पढ़ाऊंगा और उसको समझाऊंगा। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक को इंग्लिश में बोला जाता है इश्यूज। ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है, इनको ऊतक बोला जाता है। जब कोशिकाओं के समूह एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको ऊतक बोला जाता है। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी पौधे कोशिका के बने होते हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। लास्ट चैप्टर मैंने कोशिका के ऊपर बनाया हुआ है। एक कोशिक जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया के संबंध की जाती है। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जंतु होता है, एक कोशिका वाला होता है। एक ही कोशिका से वो गति करता है, भोजन लेता है, सांस लेता है और मलमूत्र का त्याग करता है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो बहुकोशिक जीव होते हैं जैसे पेड़ पौधे जंतु हम मानव, ये सब बहुकोशिक जीव होते हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं द्वारा विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये विभिन्न समूह एक विशिष्ट कार्य को अति दक्षता से संपन्न पूर्वक संपन्न करने में सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशकीय कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं। देखो, जो मनुष्य में कौन पेशी कोशिका होती हैं वो फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। ठीक है, रक्त में भी कोशिकाएं होती हैं और वो किस किस का वहन करती हैं, ले जाती हैं, ऑक्सीजन को ले आती हैं, भोजन को ले आती हैं, हार्मोन को ले आती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को ले आती हैं। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन पानी की एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जो पौधों में वाहक नलियाँ होती हैं, वाहक नली से संबंधित कोशिका जो होती हैं वो भोजन पानी इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, मतलब सबका काम अलग अलग होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो सदैव एक ही तरह से कार्य करने में संपन्न करने में दक्ष होती हैं और सदैव एक समूह में होती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी कोशिका होती हैं कि जो एक ही तरह का कार्य करेंगी और एक समूह में होंगी। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। तो ऊतक क्या होता है? ऊतक कुछ नहीं होता, कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह होता है और एक निश्चित जगह पर पाया जाता है और एक निश्चित काम करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऊतक। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। रक्त, खून, फ्लोएम तथा पेशियां, मांसपेशी बोलते हैं वो ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करवाती हैं समूह में ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक का निर्माण कैसे होती है? पहली पहले कोशिका दिखेंगे, कोशिका एक जैसी होनी चाहिए और एक जैसा काम कर रही हैं, तो वे क्या करेंगे, आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण कर लेंगे यानी टिश्यूज बना लेंगे। अब आते हैं, क्या पौधे जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? अब हम देखेंगे कि बने होते हैं कि नहीं होते हैं। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करते हैं। क्या पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? ये सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इसमें देखेंगे। दोनों में स्पष्ट होता है कि पौधे स्थिर होते हैं। स्थिर होने का मतलब है कि वे एक ही जगह पर रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है एक जगह से उठ के दूसरी जगह पहुंच गए यानी
वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, मतलब जो उनके ऊतक होते हैं वे शिरा खड़े रखने में मदद करते हैं। तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब उनकी बनावट बनाए रखते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही होते हैं तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें कम अनुचरण की आवश्यकता होती है, यानी ये खाना वगैरह कम ही लेते हैं। मरे हुए के समान ऊतक होते हैं ये वाले। दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की भोजन में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। तो देखो जो जंतु होते हैं वे गति करते हैं, गति करेंगे तो क्या कहते हैं ऊर्जा खत्म होगी, ऊर्जा खत्म होगी तो ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, मतलब कुछ ही क्षेत्रों तक भी वृद्धि करते हैं, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ ही क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है, वृद्धि अथवा विभाज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। तो हम पादपों के ऊतकों का विभाजन पढ़ने वाले हैं। तो पादपों के ऊतकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक है वृद्धि ऊतक, एक अथवा विभाज्य ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, मतलब एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती है कोशिका वृद्धि। तो जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है, जबकि पादपों के ऊतकों को हम दो भागों में भाग सकते हैं, एक तो जिनकी वृद्धि होती है और एक स्थायी ऊतक जो कभी नहीं वृद्धि करते, मतलब एक जैसी रहते हैं चाहे जिंदगी भर एक जैसे। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधा की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट और सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों में के गति अस्तित्व दूसरे जंतुओं के प्रचलन अंगों के लिए अंग तंत्रों हेतु विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। तो ये बोल रहा है कि पौधों के ऊतकों और जीव जंतुओं के ऊतकों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। एक तो गति के कारण होता है और एक संरचना के कारण होता है, ठीक है। जो क्या कहते हैं पादपों में क्या होता है पौधों में कि गति तो करते नहीं है, तो इनमें मृत ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इनको वो देते हैं शक्ति देते हैं खड़ा रखने में मदद करते हैं। तो मृत ऊतक क्या होते हैं, मृत ऊतक स्थायी होते हैं, ठीक है, और एक अस्थायी होते हैं जो कि बढ़ते रहते हैं। अब जीव जंतुओं में देख लो, अब हम खुद को देख लें कि हम एक जैसे पूरी जिंदगी एक जैसे रहते हैं, नहीं हम एक जैसे नहीं रहते हैं, हम बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं। तो हमारे ऊतकों का कोई क्षेत्र की सीमा नहीं होती है। तो देखो ये सीमा नहीं होती है, ठीक है। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ऊतक प्रश्न है यहाँ पे, ऊतक क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बहुकोशिक जीवकों में ऊतकों का क्या उपयोग है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट इसके आगे वाला पादप ऊतक के बारे में ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए, या आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।